हेलो एवरीवंस, आई एम ताशा। आज मैंने बनाया है मैंगो मुरब्बा, जो कि बहुत ही इजी, फास्ट और लेस इंग्रेडिएंट से बना हुआ है। इसके लिए सबसे पहले हम मैंगो को अच्छे से वॉश कर लेंगे। वॉश करने के बाद हम इसे नैपकिन से इस तरह से रब करके क्लीन करेंगे, ताकि थोड़ा भी इसमें पानी नहीं रहना चाहिए। देन इसे पिल करेंगे। मैंगो आप कोई सी भी क्वालिटी का ले सकते हो। आपको ध्यान इस बात का रखना है कि मैंगो कच्चा होना चाहिए, पूरा पका मैंगो हमें नहीं चाहिए। देन इसे मनचाहे आकार में हम कट कर लेंगे। हैवी बॉटम बर्तन में हम इसे शिफ्ट कर लेंगे। देन इसमें शुगर ऐड करेंगे। जितना भी आपका मैंगो है उससे हमको हाफ या फिर हाफ से थोड़ा सा कम शक्कर लेना है। मेरा यहाँ पर 2 किलो मैंगो था, मैंने इसमें 800 ग्राम शक्कर ऐड किया है। देन इसे 4 से 6 घंटे के लिए साइड रख दें। 4 से 6 घंटे बाद इसमें इस तरह से ऑटोमेटिक चाशनी क्रिएट होगा। मैंने इसमें पानी बिल्कुल भी ऐड नहीं किया है। अब हम लेंगे कुछ खड़े गर्म मसाले और ड्राई फ्रूट्स, और गैस पर कुक होने के लिए हमारे मैंगो को हम रख देंगे। इसमें हम ड्राई फ्रूट्स, खड़े गर्म मसाले और थोड़ा सा सैफ्रॉन कलर ऐड करेंगे, और लगातार फास्ट स्लो फ्लेम वॉल्यूम पे हम इसे कुक कर लेंगे। कंटिन्यू कुक करेंगे, करीब 30 से 45 मिनट्स इसे लगेंगे। कंप्लीट कुक होने के बाद गैस ऑफ कर दें। थोड़ा सा कूल होने पर हम इसे इस तरह से नैपकिन से कवर अप कर लेंगे। पूरा कंप्लीट कूल होने पर हम इसे एयरटाइट कंटेनर में शिफ्ट करके फ्रिज में रख दें, और कई महीनों तक हम इसका यूज कर सकते हैं। रेडी है आपका आम का मुरब्बा। एंजॉय किए, समर्स है, कुछ तो हमको मैंगो का चाहिए जो कि समर के बाद भी चाहिए। इजी स्टोरेबल है, सो एंजॉय।